नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता, और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। एनआईए संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, संशोधन के बाद एनआईए को विदेश में भारतीय हितों के खिलाफ आतंकवादी वारदात की जांच करने का मिलेगा अधिकार। मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 और सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 भी लोकसभा में पेश। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान असम में बाढ़ समेत सदस्यों ने उठाए जनहित के कई मुद्दे। प्रश्नकाल के दौरान भी सदस्यों ने पूछे कई अहम सवाल। आयुष मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा सदन की कार्यसूची में शामिल। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। चपेट में दोनों राज्यों के 37 जिलों के 45 लाख लोग। अब तक 15 मौतें। राहत और बचाव का काम तेज। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बारिश के बाद इमारत ढहने से हुए हादसे में 12 सैनिक समेत 13 की गई जान। नेपाल में अब तक 60 लोगों की मौत। तकनीकी दिक्कत की वजह से टला मिशन चंद्रयान 2। इसरो का बयान, प्रक्षेपण से 56 मिनट 24 सेकंड पहले रोकी गई उल्टी गिनती। जल्द होगा नई तारीख का ऐलान। इंग्लैंड पहली बार बना क्रिकेट विश्व कप चैंपियन। बेहद रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में भी मैच टाई रहने के बाद ज्यादा बाउंड्री के दम पर इंग्लैंड ने जीता मैच और न्यूजीलैंड ने दिल। बेन स्टोक्स मैन ऑफ द मैच और केन विलियमसन मैन ऑफ द सीरीज। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन विधेयक 2019 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि इस बिल में दुनिया के किसी भी देश में एनआईए को भारतीयों या भारतीय हितों पर आतंकी हमले की जांच का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन विधेयक का मकसद एनआईए अधिनियम को मजबूत बनाना है। इसके जरिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के अधिकारियों की वैसी शक्तियां, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व प्रदान करने की बात कही गई है जो अपराधों के जांच के संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी प्रयोग की जाती रही है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के मकसद से एक या अधिक सत्र अदालत या विशेष अदालत स्थापित करें। आतंकवाद एक स्टेट का, एक जिला का, एक स्थान का परिमित नहीं है। आतंकवाद इंटरस्टेट का इश्यू हो गया, आतंकवाद इंटरनेशनल का इश्यू हो गया। अलग अलग देशों से आके लोग भारत के अंदर, दुनिया के अंदर आतंकवाद गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम इस एनआईए के बिल को थोड़ा और शक्तिशाली, मजबूत बनाना चाहते हैं। उसमें कुछ सेक्शंस अमेंडमेंट करना चाहते हैं। हम सेक्शन 1 एम्पावरमेंट एनआईए विथ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड टेररिज्म ऑफेंसेस टेकिंग प्लेसेस आउटसाइड इंडिया। अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारा हर देश में एम्बेसीज है, हर देश में भारत के एनआरएस बहुत लाखों लोग हैं, उनके ऊपर भी कभी आतंकवाद का गतिविधि हो गए तो हमारे एम्बेसीज के ऊपर, हमारा प्रॉपर्टीज के ऊपर, हमारा फ्लाइट्स के ऊपर कभी भी जो ही आतंकवादी गतिविधि हो गए तो हमारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज दुनिया में कोई देश में जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं हमारे एनआईए सारी देशों में जिधर भी हमारा भारत के संपत्ति के ऊपर, भारत के नागरिक के ऊपर आतंकवाद का गतिविधि हो गए तो हमारा एनआईए जाके उस देश में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अधिकार चाहते हैं। इसीलिए मैं संसद में ये अमेंडमेंट का मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपके द्वारा संसद के सामने रख रहा हूं। और लोकसभा में आज दो अहम विधेयक भी पेश किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 उन्होंने पेश किया, और इसमें राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड बनाने और सरोगेसी की पद्धति और प्रक्रिया के नियमन के लिए उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा लोकसभा में मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 भी पेश किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस विधेयक में किसी तरह की राजनीति नहीं है। उन्होंने सांसदों से लोगों की जान बचाने के लिए इस विधेयक को समर्थन देने का अनुरोध किया है।
रोजाना 4000 लोगों की मौत होते हैं ऐसे रोड की हादसे से, रोजाना 4000 लोग की मौत होते हैं। मुझे ये बड़ा हैरान लगते हैं कि इतने सारे रोजाना अगर मौत हो जाए, सर खासकर दिल्ली नोएडा देखिए, जिसको कहते हैं कि खून की रोड बन चुके हैं, तो इसके भी आप थोड़ा अंदर इसके भी आप थोड़ा आपका ध्यान में रखेंगे। ये जब तैयार हुआ तो सम्माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठाई, ये कुछ लोगों ने उठाई थी, उस समय यूनुस खान करके जो राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे उस समय के, उनके अध्यक्षता में 18 ट्रांसपोर्ट मंत्री राज्यों के, उन्होंने इस बिल को जांचा और उन्हें रिकमेंड किए हुए बिल की कॉपी मुझे दी और वो मैंने फिर पार्लियामेंट में पेश की। पार्लियामेंट में पेश करने के बाद दोनों सदनों के द्वारा आदेश हुआ, ये स्टैंडिंग कमेटी के पास भी गया और ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भी गया, और दोनों कमेटी के रिपोर्ट के बाद फिर मैं राज्यसभा में गया, पर राज्यसभा में उस समय ये बिल पास नहीं हो पाया। वही सेम बिल आज मैं फिर से एक बार आज सदन में प्रस्तुत किया। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने कई सवाल उठाए। तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर शांतनु सेन ने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा इलाज के दौरान ज्यादा बिल बनाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसके लिए एक रेगुलेटिंग कमेटी बनाने की मांग की है। बीजू जनता दल के अमर पटनायक ने ओडिशा में कोल रॉयल्टी पुनर्निर्धारण करने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा बीजेपी के सत्यनारायण जटिया ने बाढ़ और सूखे से राहत के लिए नदियों को जोड़ने की बात कही है। इसके अलावा कांग्रेस के रिपुन बोरा ने असम में बाढ़ को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। I want, sir, this type of health regulatory commission which exists in our state of West Bengal should be made in each and every state to regulate on these corporate hospitals, to control these overbillings and out-of-pocket expenditures and extortion by the corporate hospitals. Thank you. Thank that you is your suggestion, good suggestion that you should leave it to the state governments to act on that by citing, sir, this is done here, it should be followed by others. That. So the government of India fixes the rate of royalty on coal and other major minerals in the for these states. So what we have found is that the government of India last revised the royalty on coal in April 2012. Normally, they have to revise these rates every 3 years, in which case it should have been revised in April 2015. As you know, sir, Orissa, like many other states, are coal-bearing states and they there is a lot of environmental degradation because of extraction of coal. We expect that the Honorable CM had made a request to revise this particular rate of on coal royalty from 12% existing to 20%. This has not yet been done, even though this was placed before the Central GST Council. Instead, it has been a clean energy cess has been imposed, and as you know, sir, cess is and goes into the undivisible pool. So the state government doesn't really get anything. So I would like to, through the chair, bring it to the notice of the Honorable Minister to the central government that this revision on the royalty of coal needs to be expedited and needs to be done very early so that the state government, particularly states like Orissa, which depend on very limited resources as far as revenue is concerned. देश में कहीं सूखा पड़ा है और कहीं बाढ़ है। निश्चित रूप से जहाँ सूखा है वहाँ आदमी भूखा है, और जहाँ बाढ़ है वहाँ तबाही है। नदियों को जोड़ करके इस दोनों समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो कहा गया है कि का बरखा जब फसल सुखाने, ऐसी बरसात का क्या करेंगे जब फसल सूख जाएगी, ऐसी बरखा का क्या करेंगे, बरखा का जो फसल बहाने और ऐसी बरसात भी क्या काम की जिससे फसलें बह जाए। तो निश्चित रूप से इस तबाही को बचाने के लिए देश में एक लंबे समय से विचार किया जा रहा है नदियों को जोड़ने के बारे में। इसके लिए आयोग भी गठित हुआ है और उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने का काम भी किया है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को दक्षिण में जो बहने वाली नदियाँ उनके साथ जोड़ करके केनाल के द्वारा और उसको जोड़ा जाना चाहिए, ये भी कहा गया है। आज की स्थिति में जो समाचार हम पढ़ रहे हैं उसमें यह है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, पूर्वी न्यूज़पेपर से अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसा बन रहा है, तो इससे 18 लाख लोग प्रभावित हुए और असम में 23 जिलों में 11 लोगों की मौत हो गई और 26 लाख लोग प्रभावित हुए। तो ये ऐसी स्थिति से निदान पाने के लिए जो योजनाएँ बन गई हैं उनको कारगर रूप से लागू किया जाए। इमीडिएटली वन
expert central team should be rushed to Assam to guide and help the Assam government, number one. And one responsible union minister must go there and he should take stock of the situation. Sir, for the last 2 years, the calamity relief fund and the disaster management fund due to the Assam government, that has not been released by the central government. So my demand, that fund is to be released immediately to the state government. And finally, the flood situation in Assam, it is every year, it is a regular phenomenon, sir. So it should be declared as a national problem. Because, sir, the flood is not, it is Assam, the river Brahmaputra, which originates from China, then it comes to Tibet, it goes to Bangladesh also. So, sir, three different countries, this river goes to three different countries. So, therefore, this Assam government has not such capacity to deal with the flood problem of Assam, and that is the recurring problem. So, therefore, my demand is, my suggestion is that the this flood situation of Assam should be declared as a national problem. Manyavar, jo hamara tisra pramukh stambh hai Nyayapalika, isme chahe uchch nyayalay ho, sarvochch nyayalay ho, inke chayan ki ek prakriya jo hamare samvidhan mein di gayi hai, samvidhan ke anuchhed 124 mein article 124 deals with the appointment of Supreme Court judges. It says the appointment should be made by the president after consultation with such judges of the High Court and the Supreme Court as the president may deem necessary. The CJI is to be consulted in the appointment of except his her own. और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कृति मिश्रा इस वक्त संसद परिसर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृति, राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान असम में बाढ़ का मुद्दा उठा तो प्रश्नकाल के दौरान भी सदस्यों ने कई अहम सवाल पूछे। इसके अलावा आयुष मंत्रालय के कामकाज पर भी आज चर्चा सदन की कार्यसूची में शामिल है। वहीं लोकसभा की हम यहां पर बात करें तो लोकसभा में भी एनआईए संशोधन विधेयक का मुद्दा चल रहा है, उस पर भी चर्चा जारी है। और क्या कुछ खास यहाँ पर रहने वाला है? जी हाँ गीता, आपने बिल्कुल सही कहा, आज शून्यकाल में बेहद अहम मुद्दे उठे, चाहे फिर वो असम में बाढ़ का मुद्दा हो, कलीजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने का मुद्दा हो, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर सदस्यों ने अपनी चिंता जाहिर की। और वहीं अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार ने सदन में जवाब दिया, जैसे कि AN-32 की एयर वर्दनेस के बारे में और साथ ही साथ हर नल से जल जो सरकार की एम्बिशियस स्कीम है उसके बारे में, और साथ ही साथ किस तरह से बायो टॉयलेट्स आने वाले समय में सभी रेल कोचेज में यूज़ होंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार ने सदन में जानकारी दी। इसके अलावा अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है आज आयुष मंत्रालय पे। लगभग चार मंत्रालय ऐसे तय किए गए हैं, MSME, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स और आयुष मंत्रालय, जिस पर चार घंटे तक सदन में चर्चा होनी है और आज ये चर्चा आयुष मंत्रालय पर होगी। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और उसके बाद सदन में आयुष मंत्री श्रीपद यसो नायक इस पर जवाब देंगे। वहीं लोकसभा में NIA अमेंडमेंट बिल पर चर्चा चल रही है जिससे NIO को और सशक्त किया जा सके और साइबर क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी जो घटनाएं हैं उनको भी रोका जा सके। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन सदन के दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में। जी अंकिता, बिल्कुल कृति, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा के एजेंडे में आयुष मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शामिल है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने चर्चा की शुरुआत वो करने वाले हैं और इस दौरान सभी दलों के सांसद मंत्रालय की नीतियों और कार्यप्रणाली पर विचार सदन में रखेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद यसो नाइक चर्चा का जवाब देंगे। बहस के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों को मंत्रालय की नीतियों की आलोचना और सुझाव देने का मौका मिलता है। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए ये मंत्रालय के फैसलों का फायदा बताने का अवसर भी होता है। राज्यसभा में सत्र के दौरान चार मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होनी है। इनमें विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भी शामिल हैं। और अब बात करते हैं बाढ़ बारिश से पैदा हालात की। भारी बारिश के बाद देश के कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्य असम में बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। राज्य में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बाढ़ से 28 जिलों के करीब 26 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जोरहाट, बारपेटा और धुबरी जिलों में 4 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ से प्रभावित 28 जिलों में बारपेटा सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर 7,35,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद मोरीगांव में 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। धुबरी जिले में प्रभावित लोगों की संख्या
3,38,000 है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक असम में और बारिश हो सकती है और ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। राज्य सरकार स्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 70% हिस्सा भी प्रभावित हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी निमाती घाट, सोनीपुर, गेलमपरा और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बाढ़ से राज्य के 9 जिलों में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 लाख लोग पीड़ित हुए हैं। मूसलाधार बारिश से राज्य की 5 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य के 9 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के 55 प्रखंडों में बाढ़ से कुल 17,96,535 आबादी बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा सीतामढ़ी जिला प्रभावित हुआ है। यहां पर 20 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 13 दल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने 45,053 लोगों को शरण देने के लिए 152 राहत शिविर खोले हैं, जबकि 251 सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। लगातार बारिश की वजह से राज्य में 5 नदियां बागमती, कमला बलान, लाल बकया, अधवारा और महानंदा कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 4 दिनों में कई जगहों पर बारिश की आशंका व्यक्त की है। त्रिपुरा में भी बाढ़ से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से 10,000 लोगों ने राहत शिविर में शरण ली हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों के बचाव के लिए सरकार ने त्रिपुरा स्टेट राइफल्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के कर्मियों और नागरिक बचाव दल को तैनात किया है। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने मुख्य सचिव उसरूपति वेंकटेश्वरल और अन्य अधिकारियों को हालात से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा है। मेघालय में भी बाढ़ से लगातार बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। मेघालय में 1,14,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। देमदेमा प्रखंड में 50 गांवों के करीब 57,700 लोग और सेलसेला प्रखंड में 104 गांवों के करीब 66,400 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और जिनीराम दोनों नदियों के जलस्तर बढ़ जाने से जिले के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और इस बीच राज्य की राजधानी शिलांग के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर गया है। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कुमारहट्टी में 4 मंजिला इमारत ढहने से 12 सैनिक और 1 नागरिक समेत 13 लोगों की जान चली गई। हादसे में 28 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 1 सैनिक के फंसे होने की आशंका है। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मामले में बारीकी से जांच का आश्वासन दिया है। इस वक्त हमारी प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन है, लेकिन उसके हमने जांच के आदेश दे दिए हैं और उसके बाद मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो भी इसमें खामियां रही होंगी जांच का जो निष्कर्ष आने के बाद, जो है रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद। वहीं पड़ोसी राज्य नेपाल में भी तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है और 26 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से 28 जिलों में 10,000 से अधिक परिवार पीड़ित हुए हैं। नेपाल पुलिस और सेना के अब तक 1,400 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। कई क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ से सड़क यातायात और विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। राजमार्गों को खोलने और बिजली बहाल करने का काम जारी है। सभी प्रमुख और मझोले नदियों का जल स्तर सतर्कता के निशान के आसपास बना हुआ है। नदियों के तटों पर रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और आगे बढ़ते हैं। चांद पर भेजे जाने वाले इसरो के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्चिंग से ठीक पहले रोक दिया गया। लॉन्चिंग सिस्टम में एक तकनीकी दिक्कत की वजह से यह फैसला लिया गया। इसरो ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। तड़के 2:51 पर होने वाली लॉन्चिंग की उल्टी गिनती
56 मिनट 24 सेकंड पहले मिशन कंट्रोल रूम से घोषणा के बाद रात 1:55 पर रोक दी गई। ईसरो की ओर से लॉन्चिंग टालने की आधिकारिक पुष्टि किए जाने के पहले काफी भ्रम की स्थिति बनी रही। लॉन्चिंग से करीब 1 घंटे पहले लॉन्च व्हीकल सिस्टम में एक तकनीकी दिक्कत का पता चला। एहतियातन लॉन्च होने वाले चंद्रयान 2 मिशन को यहीं पर रोकने का फैसला लिया गया। लॉन्चिंग की नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। A technical snag was observed in launch vehicle system at T-minus 2 minutes. As a measure of abundant precaution, Chandrayaan 2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later. Thank you very much. This is an announcement from ISRO which I have read out. That's all. चंद्रयान 1 की कामयाबी के बाद ईसरो ने चंद्रयान 2 की योजना बनाई थी और चंद्रयान 2 चंद्रमा की उस सतह पर जाएगा जहां पर आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण समझा जा रहा है और इसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए इसकी लॉन्चिंग के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी श्रीहरिकोटा में मौजूद थे। अंतरिक्ष एजेंसी ने इससे पहले लॉन्चिंग की तारीख जनवरी के पहले हफ्ते में रखी थी लेकिन बाद में इसे बदलकर 15 जुलाई कर दिया था। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर पूरे देश की नजरें थी और इसके सफल होने के साथ ही भारत के अंतरिक्ष अभियान के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना जुड़ जाता और इस मिशन के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश हो जाता। हालांकि अब इसके लिए कुछ और इंतजार करना होगा। अब तक के सबसे शक्तिशाली लॉन्चिंग यान GSLV मार्क 3M1 रॉकेट के साथ 978 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होने की स्थिति में इसे चंद्रमा तक पहुंचने में 54 दिन लगते। भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब गलियारे के संचालन के तौर तरीके तय करने के लिए कल पाकिस्तान के वाघा में दूसरे दौर की बातचीत हुई। बैठक में भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा फ्री एंट्री देने पर पाकिस्तान सहमत हो गया है और इसके अलावा OCI कार्ड धारकों को भी वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। वहीं हर रोज 5,000 तीर्थयात्रियों की एंट्री पर भी पाकिस्तान सहमत हो गया है। बैठक में इस साल पहले ही तकनीकी बैठक के 3 दौर की प्रगति की समीक्षा की गई। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव SCL दास के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान से कहा कि वो पूरे साल पवित्र गुरुद्वारे की सुचारू और बाधा रहित यात्रा पर श्रद्धालुओं की चिंताओं पर भी विचार करे। विशेष अवसरों पर अतिरिक्त 10,000 श्रद्धालुओं को अनुमति देने की बात कही। संयुक्त सचिव ने कहा कि इस दौरान पाकिस्तान को भारत में बन रहे पुल की जानकारी दी गई। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हैव रिट्रेटेड आवर रिक्वेस्ट that 5,000 pilgrims be allowed to visit Gurudwara Kartarpur Sahib using the corridor every day, given the expected high demand on our site. We have also reiterated the request that 10,000 additional pilgrims, at least 10,000 additional pilgrims be allowed to visit on special occasions, and that there should be no restrictions on the pilgrims in terms of their faith. Not only Indian nationals, but also persons of Indian origin who are holding OCI cards should be allowed to visit the Gurudwara Kartarpur Sahib. That request has also been reiterated. In keeping with the stated announcement that the movement would be visa-free, Pakistan should reconsider charging any kind of a fees or introducing any kind of a restrictive system, whether in the name of a special permit or any other name. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व युवा कौशल विकास दिवस के अवसर पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेधावी युवाओं से आह्वान किया कि वो अध्ययन के साथ वर्तमान और भविष्य के लिए प्रासंगिक कौशल का प्रशिक्षण लें और सतत विकास करें। युवा कौशल विकास की हर सरकारी योजना का भरपूर लाभ उठाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं के अभिभावकों और गुरुओं से आग्रह किया कि उन्हें कौशल प्रशिक्षण और स्व उद्यम के लिए प्रोत्साहित करें। देश के युवाओं के पुरुषार्थ से ही हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति की अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल सामाजिक परिवेश बनाया जाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की जयंती पर नमन किया। उन्होंने ट्वीट किया कि तमिलनाडु के विकास में के कमलराज का योगदान
अविस्मरणीय हैं और कमलराज की उस राजनीतिक संस्कृति के यशस्वी प्रतिनिधि थे जिसमें राजनीति सेवा का माध्यम मात्र थी। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सादगी आचरण की शुचिता और पारदर्शिता के अनुकरणीय मानदंड स्थापित किए हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर मूर्तियों के जरिए समझाने की कोशिश की गई कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। संगीत और नृत्य के जरिए बताया गया कि कैसे पेड़ों की कटाई और प्रदूषण से लोग धीरे धीरे मौत की गोद में समाते जा रहे हैं। और अब बात करते हैं आईसीसी विश्व कप की। आईसीसी विश्व कप 2019 के बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर कप जीत लिया है। लॉर्ड्स में खेला गया ये मैच सुपर ओवर तक खिंचा और उसमें भी दोनों टीमों के स्कोर बराबर हो गए, मगर ज्यादा बाउंड्री लगाने की वजह से कप इंग्लैंड की झोली में चला गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही है। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।